की ही बात की जाती है, किसी और की बात करना हिंदू सभा के खिलाफ है। तो मैं आप सभी को एक छोटी सी बात कहकर अपनी वाणी को विश्राम करूंगी कि भारत देश में आज हमारा कोई अधिकार नहीं है। हिंदू महासागर में डूब के मरने के सिवा कोई चारा नहीं है। मुसलमान हज करने के लिए जाएं तो उनको सब्सिडी दी जाती है और अमरनाथ की यात्रा पे हिंदुओं से टैक्स लिया जाता है। तो क्या हम गर्व से कहेंगे कि हम हिंदू हैं? किस तरह से कहेंगे? हिंदुओं को आज अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है, लोकसभा के चारों तरफ जाके घिराव करना पड़ रहा है कि सांप्रदायिक हिंसा बिल लागू ना हो। सरकार से ये प्रार्थना है, हिंदुओं को अपने देश के लिए लड़ाई करनी पड़ी है, अपनी भारत माता के लिए, अपनी गौ माता के लिए, और वो संत उसके लिए लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, सबसे निवेदन करूंगी कि अगर ये संत समाज, ये संस्कृति खतरे में आ गई तो एक ना एक दिन हम सभी खतरे में आ जाएंगे और इसको हमें बचाना है। आखिरी बात कहूंगी कि आधिया चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो, फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो। तो एक बार दोनों हाथ सभी ऊपर उठाएंगे और मुठ्ठियां बांध के सभी लोग कहेंगे भारत माता की। ये शेरों की आवाज नहीं हो सकती, शेर की आवाज में ललकारना है, क्योंकि इस भारत देश से कुप्रचार को, भ्रष्टाचार को, आतंकवाद को और राजनीति को, क्योंकि रामचरितमानस में कहा राज धर्म सर्वस्य एतनोई, हमें राज धर्म लाना है वापस, राजनीति को मिटाना है। इसलिए हिंदुओं की आवाज में बुलंद करके और उन सभी को कहना है कि जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को, मिटा डालेंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। रहना है तो रहीम रसखान बन के रहो, औरंगजेब बाबर बने तो खाक में मिला देंगे तुम्हारी हर एक हस्ती को। इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के मुठ्ठियां बांध के सभी कहेंगे भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, संत समाज की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी ने धैर्य से सुना, धन्यवाद, जय श्री राम।